नून लीग मुतहरिक पीडीएम की लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारियां। मरियम नवाज आज लाहौर में रैली निकालेंगी। मरियम नवाज जाती उम्रा से दोपहर 2 बजे रैली की सूरत में रवाना होंगी। मुख्तलिफ हलकों में 7 मकामात पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। पीडीएम का काउंटडाउन शुरू हो चुका। 13 दिसंबर का शो अपोजिशन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अपोजिशन को चारों शाने चित कर देंगे। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। मुराद सईद बोले, पीजीएम वालों की लड़ाई एनआरओ के लिए है। अवाम पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी इन्हें मुस्तरद करेंगे। अपोजिशन दोगली पॉलिसी ना अपनाए, इस्तीफे दे दे, किसी ने नहीं रोका। वजीर खाजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। नैब को हर हालत में बेनकाब करूंगा, हरकतों को रोकना जरूरी हो गया है। मामला अब सेनेट और नैब के दरमियान है। नैब को आलमी सतह पर ब्लैकलिस्ट करवाऊंगा, डिप्टी चेयरमैन सलीम मानवीवाला का ऐलान। बोले, नैब ने बहुत जुल्म किए, कई लोग तहवील में मर गए। पहली बार नैब के खिलाफ तहकीकात होंगी, असासा जात देखे जाएंगे। फैसलाबाद में पंक्चर वाले के नाम पर 6 अरब रुपए की चीनी खरीदो फरोख्त। एफबीआई ने मोहम्मद इम्तियाज को 80 लाख रुपए टैक्स का शोकॉज नोटिस भेज दिया। मुतासरा शहरी परेशान, कहता है नोटिस के जवाब में लाहौर तक जाने का किराया नहीं, अरबों रुपए का काम कैसे कर सकता हूँ। दीर, चित्राल, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, पिशावर, वजीरिस्तान और दिए खान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सखर और लाड़काना में धुंध छाई रहेगी। शहरे कायद में भी जाड़ा, जोर पकड़ने का इम्कान। और आर्ट्स काउंसिल में जारी 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। तहजीब और अदब के रंग नुमाया रहे। शेर व सुखन की महफिल भी जमी, जो हाजरीन और ऑनलाइन शिरका की तवज्जो का मरकज बनी रही। रवां साल कोरोना के पेश नज़र मखसूस तादाद में शहरियों को शिरकत की इजाज़त दी गई थी।